तुम्हारा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ। इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है, हैवानियत से ज्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है, नेक काम से ज्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। इतिहास मुझे चाहे जैसे याद रखे, अगर याद रखे, लेकिन मेरे उस डरावने पहलू से वो हमेशा अनजान रहेगा। मैं और चाहे जो भी हूं, एक पति, एक वकील, एक राष्ट्रपति, मैं हमेशा खुद को एक ऐसा इंसान मानूंगा जिसने अंधेरों से लड़ने की कोशिश की। मेरे प्यारे दोस्त हेनरी, मैं तुम्हारे भरोसेमंद हाथों में मेरी जिंदगी की दास्तां सौंप रहा हूं, जो तब शुरू हुई जब मैं बस एक छोटा बच्चा था। इंडियाना की पिजन खाड़ी, 1818। वो मेरा दोस्त है। वो हम हाथ देखो इब्राहिम, हमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो। तुमने मेरे दोस्त को मारा। वो मेरे बेटे को मार रहा था। तुमने उसे मारा लिंकन। ये बच्चे गुलाम नहीं है और तुम ये जानते हो। मेरी मानो तो काम पर लग जाओ, इससे पहले कि जंजीरों में जकड़ दिए जाओ। जब तक सभी आजाद नहीं हो जाते हम सब गुलाम हैं। ठीक है फिर, अब तुम सबको आजादी की इतनी ही फिक्र है तो तुम खुद को मेरे रोजगार के बोझ से आजाद मान सकते हो। और जिस कर्ज की तुम अदायगी कर रहे हो, अब मैं उसे सूद समेत वसूलूंगा इसी वक्त। अगर आपको मुझसे एक और पाई चाहिए मिस्टर बार्ट्स, तो वो आपको घोंसे की शक्ल में मिलेगी। कोई बात नहीं मिस्टर लिंकन, कर्ज वसूलने के और भी तरीके हैं। इन्हें क्या हो रहा है फादर, प्लीज इनकी मदद कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ कीजिए फादर। बेटी शांत हो जाओ, यहाँ मत देखो इब्राहिम। मैंने कभी किसी की ऐसी हालत नहीं देखी, अजीब है। मेरे साथ पास चलो, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मेरे पास आकर लेट जाओ।
मैंने कुछ लिखा है, पढ़कर सुनाओ माँ। दिन कमान से छूटे तीर जैसा होता है, टूटते हुए तारे जैसा, पलक झपकते ही सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी हो जाता है। इस दिन को हम अपना नहीं कह सकते, सिर्फ यही कह सकते हैं कि यह हमारा अतीत है। माँ, माँ, माँ ने एक बार कहा था, जब मैं पैदा हुआ तब मैं रोया नहीं था, मैंने बस अपनी आंखें खोली, उनके मुस्कुराते चेहरे को देखा और बस मुस्कुरा दिया। उनके जाने से मेरी जिंदगी वीरान हो गई। मुझे नहीं पता उसने कैसे ये। मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम बदले की आग में नहीं जियोगे। नौ साल बाद मेरे पिता मेरी माँ के पास चले गए। हालांकि अब मैं अपने वादे से आजाद था, लेकिन मुझे शक था कि कहीं मुझ में बदला लेने की हिम्मत है भी या नहीं। कुछ ज्यादा नहीं हो गई? कोई इतना नशा तब करता है जब किसी लड़की से प्यार करना चाहता है या किसी का खून। सुनो, आखिरी बार कहता हूँ बार्ट्स, मैं तुम्हारे इन सब झमेलों को सुलझाने के लिए दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। मधुमा, तुम तो जानती हो ना, कई बार ऐसा हुआ है कि औरत के सामने आते ही उसका असर मुझ पर हावी हो जाता है। तो हेनरी कहाँ है? महलों से लेकर गंदी नाली तक हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। किसी गंदी नाली में ही मिलेगा, कहीं से भी उसे ढूंढो बार्ट्स। और हाँ, दक्षिण की तरफ और गुलामों को भेजो, हमारे कई पिशाच भाई अभी भी भूखे हैं। जैसा आप कहें। गुलामों को भेजो, पिशाच भाई भूखे हैं। ये मेरी मां की हत्या के लिए। निशाना चूक गए, शायद मुझे मुक्ति मिलने में अभी और वक्त है। भागने का कोई फायदा नहीं है। मुझे चूहों का पीछा करना पसंद नहीं है। बच्चा काफी बड़ा हो गया है लेकिन होशियार नहीं बन पाया। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं मिस्टर लिंकन, एक वो जो बंदूक चलाने की हिम्मत रखते हैं, दूसरे जिनमें हिम्मत नहीं होती। बारूद, अब कपड़ा, अब छर्रा, दोबारा गड़बड़ मत कीजिएगा। मैं जानता हूँ उस रात आप सो नहीं रहे थे, सच कहा ना? ओ, आपने तो छर्रा गिरा दिया मिस्टर लिंकन। तुम्हारी माँ का खून बहुत ही मीठा था। उम्मीद करता हूं तुम्हारा उससे भी मीठा होगा।
बगैर इजाजत कमरे में आना गुस्ताखी होती है। हाँ बेशक, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। सीधा मुद्दे पर आए या फिर गैब्रियल को देखकर तुम्हारा भी मन मचल उठा है? माफ करना पर तुम हो कौन? मैं कौन हूं? हेनरी स्टर्जिस। तुम जहां हो वो है मेरा घर, और जो हुआ वो ये कि मैंने तुम्हारी जान बचाई जब तुम किसी और की जान लेने की बेकार सी कोशिश कर रहे थे। तुम वहां क्या कर रहे थे और तुम्हें कैसे पता कि मैं बार्ट्स को मारने वाला था? कैसे? मैंने एक लड़के को देखा जो बरसों से अपने दिल में दबे मकसद को अंजाम दे रहा था नशे में धुत होकर। फिर मैंने खुद से कहा, तुम ये सब देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो हेनरी, इस रंग रूप में दम नहीं है। ये बस एक खुदगर्ज लड़का है जिस पर बदले का खून सवार है, और उससे भी बुरा ये लड़का तो सरासर बेवकूफ है। उसे शायद पता भी नहीं था कि उसका दुश्मन एक पिशाच है। एक पिशाच? हाँ, कभी ना मरने वाले खून चूसने वाले राक्षस। आप खुशकिस्मत है मिस्टर लिंकन कि उनका शिकार करना मेरे लिए एक शौक है। लेकिन सुना है पिशाच तो काल्पनिक होते हैं। कल्पनाएं गोली लगने के बावजूद तुम्हें मार मार के बेहोश नहीं करती। शुक्रिया, गलत सोच रहे हो, पिशाच सच में होते हैं। मुल्क के हर शहर में, हर प्रांत में उनका वजूद है। अगर तुम्हारी बात सच है तो उन्हें मारने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। मेरा हुनर बिकाऊ नहीं है, बात सिर्फ एक को मारने की नहीं सबके विनाश की है, और फिर जो मर चुका है उसे मारना भी एक हुनर है। तुम समझ नहीं रहे, मेरी मां का कत्ल हुआ था, और अगर मैं तुम्हें सिखा दूं कि उनके कातिल का कत्ल कैसे करना है तो क्या होगा? इससे उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इससे उन लड़कों का क्या फायदा होगा जिनकी मां अगली शिकार है? अगर आपको सिर्फ बदले की तलाश है तो उसे कहीं और ढूंढिए। मुझे अपनी तरह लड़ना सिखा दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो वादा कीजिए कि अपने मन से बदले का ख्याल निकाल देंगे और एक शिकारी की तरह जिंदगी जिएंगे, ना तो आपके दोस्त होंगे ना ही कोई परिवार जिसका नाम मैं बताऊं। मैंने उसकी हर बात मान ली क्योंकि मैं सिर्फ उस राक्षस को मारना चाहता था जिसने मेरी मां की जान ली थी। मुझे मंजूर है। स्कॉटिश हाईलैंड पिस्तौल, और अगर एक नली काफी ना हो तो सात नलियों वाली से तो काम हो ही जाएगा। और ये है ब्लंडबस बंदूक, अगर तुम्हारा छर्रा खो जाए तो तुम्हारी जेब में जो घड़ी है वो इसमें डालकर चला सकते हो। तो मिस्टर लिंकन, कौन सी वाली से शिकार करना चाहोगे? दरअसल बंदूक चलाने के मामले में मेरी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं रही, पर मैं कुल्हाड़ी चला लेता हूं। मैं चाहता हूं तुम इस पेड़ को एक झटके में काट दो। ये पेड़? ये कम से कम एक फुट चौड़ा होगा, ये नामुमकिन है। समझिए, ये पेड़ नहीं, ये वो है जिससे आप तहे दिल से नफरत करते हैं। तो बताइए मिस्टर लिंकन, किससे नफरत करते हैं? मुझे जैक बार्ट से नफरत है। तो मार डालिए उसे। जाहिर है आपको उससे इतनी नफरत नहीं है। मुझे बताइए किस बात से नफरत है? इस बात से कि मेरी मां को मुझसे छीन लिया गया। ठीक है, ये काफी नहीं है। मुझे नफरत है इस बात से कि हम डर गए थे, और ये कि मेरी मां और पिता, वो सब जिन्हें हम जानते थे, सब डर कर जीते थे। बेकार। मुझे नफरत है कि तब मैं छोटा था और कमजोर भी। हाँ। और ये कि आप नाकाम रहे। हाँ। उन्हें बचाने में। हाँ। और ये कि आपने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ताकत लिंकन, सिर्फ असली ताकत नफरत से नहीं बल्कि
सच्चाई से आती है। इससे पहले कि तुम दुनिया को अंधेरे से बचाने निकलो, तुम्हें खुद को बचाना सीखना चाहिए। तुम्हारे दुश्मनों के पास अदृश्य होने की ताकत है, और तुम में काबिलियत होनी चाहिए बिना देखे लड़ने की, काबिलियत बिना देखे देखने की। हेनरी ने मुझे पिशाचों के राज और उनका शिकार करने के तरीके सिखाए, कैसे वो सूरज की रोशनी झेलते हैं, किस तरह अपने आप को अदृश्य करते हैं, और सबसे जरूरी उसने सिखाया कि उनका खात्मा कैसे करते हैं। जब जूडिस ने ईशु को धोखा दिया तो उसे इनाम में चांदी के 30 टुकड़े मिले। उसी पल चांदी के वो टुकड़े ईश्वर को धोखा देने का प्रतीक बन गए, यानी बुराई का, और चांदी शापित लोगों पर अभिशाप बन गई। नहीं, शुक्रिया। तुम्हें कभी कोई पिशाच चांदी पहने हुए नहीं मिलेगा, ना ही आईने में उसका अक्स दिखाई देगा। पर एक चीज है जो ईश्वर ने पिशाच की पहुंच से परे रखी है, एक चीज जो वो कभी नहीं पा सकते, और वही एक चीज उन्हें कमजोर बनाती है। तुम्हें निशाने मैं दूंगा, यही तय हुआ था। बात सिर्फ जैक बार्ट्स की नहीं है, वडोमा एक बेरहम पिशाच, और ये उसका भाई। रुको, मैंने इसे कहीं देखा है, मैंने इसे जैक बार्ट्स के साथ देखा था। इसका नाम है एडम, ये वही है जिसकी वजह से बाकी सब लोग पिशाच बने। सदियों से पिशाच अमेरिका में रहते आए हैं, और तब से आदिवासियों और प्रवासी लोगों का कत्लेआम करते आए हैं। लेकिन जब यूरोपियंस अपने गुलामों के साथ यहां पहुंचे, तब इन पिशाचों के दिमाग में खूंखार ख्याल आया। उन्होंने दक्षिण में अपना साम्राज्य बनाया। हाल ही के कुछ सालों में रास्ते में मौत बिछाते हुए वो उत्तर की तरफ बढ़ गए। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इनका शिकार करके संतुलन बनाए रखें, और ये निश्चित करें कि यह राष्ट्र इंसानों का बना रहे, ना कि राक्षसों का। हम जो करते हैं वो किसी एक के लिए नहीं, पूरी मानवता की भलाई के लिए करते हैं। स्प्रिंगफील्ड, 1837। एक नई जिंदगी शुरू करने से पहले हेनरी ने मुझे चेतावनी दी, न लगाव, न खिंचाव, न दोस्त, न परिवार। वैसे भी मैं किस पर भरोसा करता, इन सभ्य लोगों के बीच कोई भी उनमें से एक हो सकता था। साले चोर कहिए। अगर तुम्हारे यहाँ नजर आया तो मैं तेरी टांगे तोड़कर रख दूंगा। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। गुड आफ्टरनून सर, जोशुआ स्पीड आपकी खिदमत में हाजिर। इब्राहिम, लिंकन, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ कहिए, जरूरतमंद है जो है स्पीड का दोस्त, वो कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप बता सकते हैं कि किराए पर कमरे कहाँ मिलेंगे मिस्टर स्पीड? किस तरह का कमरा आपको चाहिए मिस्टर लिंकन? कोई सस्ता सा, मैंने सारे पैसे कानून की किताबों पर खर्च कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो अब जब आपके पास कुछ नहीं है तो सस्ते से आपका क्या मतलब है? मुफ्त का कमरा? नहीं, उधार का। मुझे नहीं लगता आपको स्प्रिंगफील्ड में ऐसा कोई कमरा मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग किसी को अपनी राय भी मुफ्त में नहीं देते। शुक्रिया। एक कमरा है मिस्टर लिंकन। हाल ही में मुझे मजबूरन एक चोरी करने वाले सहयोगी को निकालना पड़ा, तो फिलहाल उसकी जगह खाली है। कमरा वहां ऊपर है, कुछ खास नहीं है, पर किराए पर दिया जा सकता है, बशर्ते किराएदार यहां काम करने को राजी हो। डियर हेनरी, स्प्रिंगफील्ड में जिंदगी इतनी खुशहाल नहीं है, मगर घबराओ मत, मेरी दो कौड़ी की तनख्वाह मुझे नियम तोड़ने का मौका ही नहीं देती, न
ना दोस्त ना परिवार, और यकीनन किसी औरत को मेरी ऐसी जिंदगी में दिलचस्पी कहां होगी। एक्सक्यूज मी, सुनियो, मुझे इन चीजों की जरूरत है। बस एक मिनट मैम। वैसे मुझे मैम कहने की जरूरत नहीं है, मैं कोई 60 साल की कुंवारी। माफ करना मैम, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं, मेरा मतलब मिस, मेरा नाम इब्राहिम है, लिंकन। मैरी टॉड। डार्लिंग, ओह तो तुम यहाँ हो। तुम एक दुकान से दूसरी दुकान बहुत जल्दी आ जाती हो। अगर तुम स्प्रिंगफील्ड के हर शख्स के साथ गप्पे ना लगाओ, और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो। स्टीफन डगलस, मिलकर खुशी हुई। इब्राहिम, लिंकन। राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं इलिनॉय से गुलामी को हटाने के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। तुम्हारा चुनावी भाषण जरूर सुनते, पर फिलहाल मिस्टर लिंकन मेरी लिस्ट का सामान निकालने जा रहे हैं। हमें बात करने दो मेरी। गुलामी एक बहुत ही पेचीदा मसला है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं मिस्टर डगलस। मिस्टर डगलस, मिस्टर ऑड, ये मेरे नए सहयोगी है इब्राहिम, तुम्हारे लिए चिट्ठी आई है। मिस्टर डगलस आइए मेरे साथ। डियर इब्राहिम, तुम्हारा दवाइयों का पर्चा स्थानीय दवा की दुकान पर रखा है, वहां मिलना एरन स्टेबल जूनियर से। मिस्टर लिंकन, माफ कीजिएगा। तुम्हारा काम तो काबिले तारीफ है। शुक्रिया। और हाँ, याद रहे, शिकार करने के लिए हमेशा दो योजनाएं तैयार रहनी चाहिए। एरन स्टेबल जूनियर, कहिए। अरे बाप रे लिंकन, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? घबराओ मत, मैं अब भी काम कर सकता हूं। काम?
आज कोई काम नहीं, हमें डांस पार्टी का न्योता आया है। वहां मैरी टॉड भी होंगी, उनसे जान पहचान बढ़ाने का अच्छा मौका है। इस सूट में मैं जोकर लग रहा हूँ? बकवास, पर इस टोपी में जरूर जोकर लग रहे हो। हम दो हैं, ये मेरे साथ हैं। चलो चलो चलो, देखो वो रही है। मिस्टर डगलस, कैसे हैं आप? मैरी बहुत प्यारी लग रही है। वो आज भी नहीं आया। कौन नहीं आया? एरन स्टिबल। जूनियर या सीनियर? जूनियर। ये कौन है? मुझे नहीं पता, पहली बार देख रहा हूँ। यानी तो मेरी आज रात पार्टी के बाद। मिस्टर डगलस, आप सेनेटर नोलन को तो जानते ही होंगे। हेलो, तो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ ठीक ही है। कुछ खास दिलचस्पी? नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा। ये एक डांस पार्टी है, बैठकर बातें ही करनी होती तो इस पार्टी को कुछ और नाम देते। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ आइए मिस्टर लिंकन, कुछ देर और बैठे रहे तो सोफे में गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं मिस्टर लिंकन, पर आप एक दुकानदार उधार का सूट पहना हुआ। नहीं नहीं, मैं अमीर गरीब की बात नहीं कर रही हूँ। सच में मैं स्प्रिंगफील्ड में कुछ और ही ढूंढने आई थी, कोई ऐसा जिसकी जिंदगी थोड़ी और रोमांचक हो। और माफ कीजिए, मैं कभी इस तरह से बात नहीं करती। ईमानदारी से, बदतमीजी से। बुरा ना माने मिस डॉट, तो मैं कुछ कहूँ, मैं भी यहाँ कुछ बनने आया था, इसीलिए मैंने कानून में दिलचस्पी ली। और गुस्ताखी माफ कीजिएगा, अब आप में दिलचस्पी है, और जिस रोमांच को आप ढूंढ रही हैं, वो रोमांच आपको हर एक इंसान में तो नहीं मिलेगा, खास तौर पर आपके मंगेतर स्टीफन डगलस में तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर लिंकन, आप तो छुपे रुस्तम निकले। मिस टॉड, अभी आपने देखा ही क्या है। डियर एब्राहम, मैंने स्थानीय बैंक में पैसा जमा करा दिया है, ख्याल रखना, अचानक गायब हो सकता है। तादाद हमारी सोच से भी ज्यादा है। दवा बनाने वाले सराय मालिक पादरी, ये काम किसी अकेले के बस की बात नहीं। आज पता चल गया मेरा साथ लोगों को कितना अच्छा लगता है। माफ करना, आजकल देर रात तक काम कर रहा हूं। वाकई सच कह रहे हो? तुम वाकई सच्चाई जानना चाहती हो मेरी? हर एक रात मैं शिकार पर निकलता हूं, पिशाचों के शिकार पर। वैसे तुम इन पिशाचों का शिकार करते कैसे हो? कुल्हाड़ी से, चांदी की बनी है, एक खास तरह की कुल्हाड़ी। चांदी की? और अब तक तुम कितने मार चुके हो? 5 नहीं 6, मैंने अब तक 6 पिशाच मारे हैं। कमाल है, सच? एब्राहम, तुम भी ना, मुझे लगता था तुम कभी मजाक ही नहीं करते। राँ राँ राँ।
का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं भी नहीं भूल पाऊंगा मैरी। मिस टॉड, आपकी खूबसूरती और सूझबूझ का मैं कायल हो गया। मिस्टर लिंकन, अभी आपने देखा ही क्या है? ना तो आपके दोस्त होंगे, ना ही कोई परिवार। मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। मैं उसे अपनी दुनिया में कैसे ला सकता था, इन शैतानों और खतरों से भरी दुनिया में। गुड नाइट मिस्टर लिंकन। गुड नाइट मैरी। संभल कर शिकार करना। अगर मैं सचमुच उसे चाहता था तो सबसे अच्छा यही होता कि मैं उससे दूर चला जाता। बिना सर के 6 लाशें पाई गई। ये शिकारी कहीं हेनरी का चेला तो नहीं? कहते हैं वो पागल है। मैं उससे मिलने को बहुत बेताब हूं। क्या बात है, एक दुकानदार कानून की किताब पढ़ रहा है। क्या तुम वकील बनने की फिराक में हो? दरअसल उम्मीद तो यही है। ठीक है, तो क्यों ना एक छोटा सा इम्तिहान हो जाए। उत्तरी राज्यों के आजाद गुलामों के लिए क्या कानून है? 1793 के भगोड़ा अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 खंड 2 के तहत सभी भगोड़े गुलाम उनके मालिकों को लौटा दिए जाने चाहिए। हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कानून कहता है जो कोई भी आजाद पैदा होता है इस अधिनियम के तहत नहीं आता। एक नेक दिल औरत को कहते सुना था, जब तक सभी आजाद नहीं हो जाते हम सब गुलाम हैं। विल जॉनसन, तुम यहां कैसे? मैं जब घर गया तो पता चला कि तुम यहां आ गए हो वकालत की पढ़ाई करने। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे एक वकील की जरूरत थी। क्यों, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? मैं दक्षिण में रेल काम में लगे गुलामों को आजाद करवा रहा था। सोचा कि कहीं वहां मुझे अपना भाई मिल जाएगा। इनाम के लालची लोग मेरे पीछे पड़ गए, कहने लगे मैं भगोड़ा हूं। मुझे हुक्मनामा चाहिए जो कहे कि मैं आजाद पैदा हुआ था। काम हो जाएगा, चलो। स्पीड, यह विल जॉनसन। विल जॉनसन मेरा सबसे पुराना दोस्त। इस दुकान को कौन संभालेगा? मैं इसे जितनी जल्दी हो सके वापस भेज दूंगा मिस्टर स्पीड, वादा करता हूं। तुम तो लंबे और पतले हो गए हो, लगता है अब भी खाना वाना नहीं खाते। अंधेरे से डरने की आदत गई कि नहीं? अब अंधेरे से उतना डर नहीं लगता। वो देखो अब, ये वही आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा था। जनाब, 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 हम बात करके ये मसला सुलझा सकते हैं। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। नहीं सर, बेहतर होगा आप चले जाएं। मैंने सेनेटर नोलन से कहलवा दिया है, वो जल्दी तुम्हें छुड़वा लेंगे। आप बहुत ही नेक दिल है मिस टॉड, और ये जो बहुत बदसूरत है आपके लायक नहीं है। मुझे तो लगता है कि भोले भाले लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं, इसीलिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को धरती पर भेजा है। शुक्र है कि इन्होंने तुम्हें बचा लिया। पर मैं हमेशा उसे नहीं बचा सकता मैरी। क्या होगा अगर कुछ भयानक सा होने वाला हो, और तुम जानती हो कि एक अकेले इंसान को उसका सामना कर पाना नामुमकिन है, तो तुम क्या करती? मैं
सच्चाई की राह में कितने भी कांटे बिछे हो, पीछे नहीं हटूंगी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमेशा सही राह पर डटे रहो, पर तुम्हें सही राह की पहचान होनी चाहिए। हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हो सकता है हम इस लड़ाई में हार जाएं, ये भी हो सकता है कि हम अत्याचार को पूरी तरह मिटा ना पाएं, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद न्याय संगत और नेक है। आजादी का मकसद, वही मकसद जिस पर हमारे संस्थापक पिताओं ने इस महान राष्ट्र का निर्माण किया था। इब्राहिम, सेनेटर नोलन तुमसे मिलना चाहते हैं। शुक्रिया। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसी बुलंद आवाज किसी दुकान में कैद नहीं रहनी चाहिए। दरअसल मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ। खैर मिस्टर लिंकन, अब शायद आपको राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुम्हें सही लोगों से मिलवा सकता हूँ। शुक्रिया सेनेटर नोलन, तुमसे मिलकर खुशी हुई। शुक्रिया। हमेशा बड़ा सोचिए मिस्टर लिंकन। तुम्हें पिशाचों का शिकार करने स्प्रिंगफील्ड भेजा था, वोट मांगने नहीं। पहला सबक, हमेशा एक और योजना तैयार रखो। अगर पिशाच मारने में कामयाबी ना मिली तो कोई और काम तो आना चाहिए। मेरी बात मजाक में मत लो। ये मजाक नहीं है हेनरी, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, हर वो खत, हर वो नाम, पर कभी वो खत नहीं जिसका इंतजार है, वो नाम नहीं जो मैं चाहता हूं। मैं जैक बार्ट्स का शिकार कब कर पाऊंगा? वक्त किसी इंसान के लिए नहीं रुकता। बार्ट्स मैरी के बारे में जानता है, वक्त आ गया। इब्राहिम, वो बहुत ही शातिर है, संभल कर।
देश हमारा नहीं हो जाता एडम रुकेगा नहीं, और अब वो तुम्हारे लिए आते ही होंगे। अपने दोस्त हेनरी से पूछ लो। अगर मुंह से जरा सी भी आवाज निकाली तो जान ले लूंगा। अभी सही वक्त नहीं था कि तुम भी पिशाच हो। तुम अकेले नहीं हो लिंकन, जिसका पिशाच होने सब कुछ छीन लिया हो। मैंने कीमत चुकाई क्योंकि मैंने शिकारियों के उसूलों को नजरअंदाज किया। ये बग्गी यहाँ रुक गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी रुक जाएं। निकलो यहाँ से, इसे रखो, भागो, निकलो यहां से। इसकी तो आत्मा पवित्र थी, पर तुम्हारी हेनरी? यह ईश्वर का छोटा सा एक नियम है, पिशाच अपनी जाति के लोगों को नहीं मार सकते। सिर्फ इंसान ही पिशाचों को मार सकते हैं। हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। लिंकन, तुम या तो दुनिया को बचा सकते हो या फिर अपने चाहने वालों को। फैसला तुम्हें करना है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर अब से हमारे रास्ते अलग हैं।
एब्राहम। मैरी, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अंदर आ जाओ। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं एब्राहम। ये दरअसल वो ये कुछ नहीं है एब्राहम, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, बताओ क्या छुपा रहे हो मुझसे? ठीक है, मैं तुम्हें इस तरह नहीं बताना चाहता था, सोचा नहीं था ऐसे हालात हो जाएंगे, पर अगर तुम सच मुझ जानना चाहती हो तो मैरी टॉड, क्या तुम मेरी इस वीरान जिंदगी में खुशियां बरसाओगी? और तुम इब्राहिम, वादा करते हो कि तुम इसे प्यार करोगे, इसे खुश रखोगे, इसे इज्जत दोगे, ईमानदारी बरतोगे, बीमारी में और तंदुरुस्ती में, जब तक कि मौत तुम्हें जुदा ना कर दे। मैं करूंगा। तो मैं उस परम पूज्य ईश्वर की अनुमति से इलिनॉय के इस प्रदेश में तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं। अब तुम दुल्हन को चूम सकते हो। आज तुम्हारी माँ होती तो कितनी खुश होती। शुक्रिया वे, मुझे खुशी है कि तुम आए, एक तुम ही तो मेरा परिवार हो, और अब ये है। मुबारक हो। इनसे मिलो, ये है मिस्टर हेनरी स्टर्जिस, ये मेरी पत्नी मैरी और मेरा जिगरी दोस्त विल जॉनसन। आप ठीक तो हैं मिस्टर स्टर्जिस? आपके हाथ बहुत ठंडे हैं। मुझे हेनरी कहिए, मेरे ख्याल से ये ठंडी बोतल पकड़ने का नतीजा है। खैर, आपने तो सुना ही होगा ठंडे हाथ वाले नर्म दिल होते हैं। हाँ, पर मैं नहीं मानता। मिस्टर स्टर्जिस बिजनेस में मेरे सहयोगी हैं। तो क्यों ना जरा सी बिजनेस की बात हो जाए। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सावधान रहना है इब्राहिम, हम अक्सर भूल जाते हैं कि अपनी सबसे प्यारी चीज हम कितनी आसानी से खो देते हैं। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। नदी की तरफ जाओ, न्योता दो इस मिस्टर लिंकन को हमारे बगान वाले महल में आने का। हम उनके सम्मान में एक दावत देना चाहते हैं। और अगर वो नहीं माना तो? हम कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे उन्हें मनाने का। उसके बारे में जरूर कुछ सोचना। अच्छी किताब है, बाद में मुझे देना। इब्राहिम, एक परेशानी है। वो विल को उठाने गए। मैडम का हुक्म है कि आप उसके जश्न में शामिल हो। अब क्या करोगे? मैं उनका न्योता स्वीकार करूंगा। स्पीड को हमारे दुश्मनों की सच्चाई पता होनी चाहिए थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैं नहीं जानता था वो मेरा यकीन करेगा या मुझे पागल समझेगा। ये भी नहीं जानता था कि उसमें उन पिशाचों का सामना करने की हिम्मत है या नहीं, जिन्हें अब मैं पहचान गया था। तुम और मैं अगर मिल जाएं, तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। न्यू ऑरलींस।
कोई गुलाम नजर नहीं आ रहे, कहां चले गए होंगे? मैं भी यही सोच रहा था। गड़बड़ जरूर लग रही है इब्राहिम। हाँ। मुझे डांस करना नहीं आता। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यही रुकना। देवी और सज्जनों, खाना लग चुका है। शाबाश मिस्टर लिंकन, शाबाश। जितना सुना था उससे भी बेहतर पाया। अफसोस मुझे अपने बेहतरीन लोगों की बलि चढ़ानी पड़ी, लेकिन ये जानना जरूरी था कि तुम मेरे काम के हो कि नहीं। तुम मुझे आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें आजाद देखना चाहता हूँ। तुम्हें हिम्मत के साथ अपने अत्याचारी का विनाश करते हुए देखना चाहता हूँ। गुलामों के मालिक से यह सलाह बड़ी दिलचस्प लगती है। इंसानों ने एक दूसरे को गुलाम बनाया और अपनी इस गलती को माफ करवाने के लिए ईश्वर को खोजा। मैंने यहूदियों को मिस्र की शान बनाते हुए देखा है। अपनी आंखों से ईसाइयों को भूखे शेरों के आगे फेंके जाते हुए देखा है और अफ्रीकियों को यूरोपियों के हाथों अपने ही लोगों को बेचते हुए देखा है। क्या मैं अपने 5,000 साल के तजुर्बे के रहस्य को आपके साथ बांट सकता हूं? हम सब किसी ना किसी के गुलाम हैं। मैं अनंत काल का, तुम अपनी सोच के और दूसरे अपनी चमड़ी के रंग के। मैंने सिर्फ यही चाहा था कि हम जैसों को अपनी सही जगह मिलनी चाहिए। पर हम में से कुछ लोग तुम्हारे दोस्त हेनरी की तरह भी हैं, जो अंधकार में जीना पसंद करते हैं। और तुम जानते ही हो, पिशाच एक दूसरे को मार नहीं सकते। इसलिए मिस्टर लिंकन, आप खुद ऐसे दगाबाजों को मेरे लिए मारोगे और उसकी शुरुआत करोगे हेनरी स्टर्जिस से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप अपनी जंजीरें तोड़ दें, अपने गुरु को मार दें, आजाद हो जाएं। और अगर मैं मना कर दूं तो? तब तुम अपने रास्ते जा सकते हो। पर जब मैं तुम्हें अपने जैसा बनाकर तुम्हें तुम्हारे दोस्त का खून पिला दूं, तब सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना काफी होगा।
हेनरी को मारो, अपने दोस्त को बचा लो। आराम से तय करो, कोई जल्दी नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1 लोग हर रोज मारे जा रहे हैं, गुलाम गायब हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये राक्षसों और शैतानों का काम है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम 3 आदमियों को ढूंढ रहे हैं। मैंने अभी कुछ लोगों को उस तरफ जाते देखा। प्रार्थना का समय हो गया है, आप आना चाहेंगे? शायद तुम उत्तरी अमेरिका से आए हो। जी बिल्कुल। देखो, मेरी बात मानो तो जल्द से जल्द वापस चले जाओ। जंग छिड़ने वाली है, देश की नैतिकता के लिए जंग। हर एक इंसान का खून बहने वाला है। उनकी मेहनत, उनके खून से, इतना खून जितना आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी आंखों से दक्षिण का यह खौफनाक नजारा देखा है। मेरा मानना है कि हमारा अहम मुद्दा शांति होना चाहिए, न कि गुलामों की जरूरतें। अगर इस महान देश के लोग गुलामी चाहते हैं तो फिर यही सही। गुलामी का दीमक हमारे देश को खोखला कर रहा है। हमें आवाज उठानी होगी, बगावत करनी होगी, लड़ना होगा, लड़ना होगा हमारे देश के वजूद के लिए। जब तक हर आदमी आजाद नहीं हो जाता, हर एक शख्स गुलाम है। तुम गुलामी से नहीं लड़ सकते अब्राहम, तुम पूरे दक्षिण से नहीं लड़ सकते। क्यों? एडम की वजह से? नहीं, क्योंकि तुम उससे डरते हो। क्योंकि गुलामों का ही खून चूसकर इतने बरसों से वो अपनी प्यास बुझाते आ रहे हैं, और अगर तुमने गुलामी खत्म कर दी तो कोई महफूज नहीं रहेगा। तो तुम तय करोगे कौन जिएगा कौन मरेगा? किसी महान इंसान ने एक बार कहा था, हम जो करते हैं अपने लिए नहीं करते, किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरी मानवता की भलाई के लिए करते हैं। पूरी मानवता के लिए नहीं अब्राहम। अब्राहम, मुझे अपना पति वापस मिल सकता है? ये सिर्फ आप ही के हैं मिसेस लिंकन। हेनरी ने लड़ाई को सिर्फ अपने नजरिए से देखा, पर मैंने अपना नजरिया बदल दिया। उन समस्याओं पर गौर करने लगा जिनकी वजह से बहुत कुछ दांव पर लगा था, और वहीं से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। बाइबल में लिखा है, वक्त आ गया है कि मैं अपनी बचकानी हरकतें छोड़ दूं। अब ये जंग मैं अपनी कुल्हाड़ी से नहीं, बल्कि अपने शब्दों और आदर्शों से लड़ने वाला था, और कुछ वक्त के लिए वो ज्यादा मजबूत हथियार साबित हुए। शपथ लेने, जो इस पद को स्वीकारने और इसका कार्यभार संभालने से पहले
राष्ट्रपति द्वारा ली जाती है। गुलामी का मसला सुलझाने के लिए हमें तलवार नहीं कलम उठानी होगी। हमला! संकर किला 1861। और किस्मत के फेर से बहुत ही पेचीदा मसलों के बीच मैं उस देश का राष्ट्रपति बना जो ग्रह युद्ध की तरफ बढ़ रहा था, और साथ ही अपने बेटे की परवरिश भी की जो तब उसी उम्र का था जब मैंने अपनी माँ को खोया। 3000 लोग मारे गए एक ही दिन में। तुमने आखिरी बार कब खाना खाया था? मुझे भूख नहीं है मैरी। खाना तो पड़ेगा इब्राहिम, खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? 20,000 सैनिक मारे गए। मेरे साथ चलो विली। विली, विली, एक बार फिर से सोच लो, इस रास्ते पर कोई वापसी नहीं है। जानता, पर मैं इस देश की आजादी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये जंग सचमुच बुराई के खिलाफ एक मुहिम है तो इस जंग को कोई मकसद दीजिए। अगर ये इंसान की आजादी की लड़ाई है तो क्यों ना सभी को इसे लड़ने की एक वजह दे दी जाए। गुलाम बनाए गए सभी लोग किसी भी राज्य में या राज्य के किसी भी निर्धारित हिस्से में संयुक्त राज्य के खिलाफ विद्रोह में खड़े हो सकते हैं। और अब से सबको मिलेगी आजादी। गुड मॉर्निंग। मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? विली। और तुम्हारे पिता का? अब्राहम। क्या खेल रहे हो? तो अब कैसा है हमारा नन्हा सिपाही? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं है आपके बेटे को क्या हुआ है।
अब्राहम, मेरी तुम्हें बुला रही है। मुझे अफसोस है अब्राहम, उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो जानते हैं कि ये हश्र मौत से भी ज्यादा दर्दनाक है। मेरी पूरी तरह से टूट चुकी है, कहती है इसके बिना जी नहीं पाएगी। एक तरीका है अब्राहम, तुम जानते हो कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं। जिंदा कर दो, कर दो मैरी, कर दो। तुम्हारी डायरी जो तुम हमेशा अपनी कोट की जेब में रखते हो, मुझे उसे नहीं पढ़ना चाहिए था, पर मैं जानना चाहती थी कि तुम क्या छिपा रहे हो। अगर तुम सच कह रहे हो हेनरी, तो मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो। मैरी, लेकिन तब वो हमारा बेटा नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, कुछ बहुत ही भयानक। मुझ पर यकीन करो, ये गलत होगा। तुम पर मैं कैसे यकीन करूं? इतने साल तक मुझसे झूठ बोलने के बाद मैंने ये सब तुम्हें बचाने, अपने परिवार को बचाने, पर बचा तो नहीं पाए, नहीं बचा पाए अब्राहम। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की ये हालत हुई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मुझे एडम के पास जाना होगा, हमें उसके साथ समझौता करना होगा, इस लड़ाई को रोकना होगा। विली की मौत तो बस एक शुरुआत है। अपनी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लो। मैंने तुम्हें आगाह किया था, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब तुम मेरी बात सुनोगे या और बच्चों को बलि चढ़ते देखना चाहोगे? हम बेवजह अपने जवान गंवा रहे हैं, हमें उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। अब्राहम, इस लड़ाई में अनगिनत जाने गई, करोड़ों का नुकसान हुआ सो अलग। हम इस देश को महान बनाने के लिए निकले थे, ना कि बंटवारा करने। जीत हासिल करके ही हम इस देश को बचा सकते हैं। स्पीड, सैनिकों को भेजो। हमारी सारी टुकड़ियां मैदान जंग में उतर चुकी हैं, पर उत्तरी राज्यों के मुकाबले हमारी तादाद अब भी कम है। हम आपका साथ देंगे, पर आपको भी हमारा साथ देना होगा। नहीं, शुक्रिया। खैर, इत्मीनान रखिए मिस्टर डेविस, आपको हम जैसे जितने चाहिए मिल जाएंगे। हमारी मंजिल गेटिसबर्ग है।
पीटर्सबर्ग के युद्ध का पहला दिन बहुत बुरा रहा। लगता नहीं सेना ज्यादा दिन टिक पाएगी। अगर बागी सुरक्षा रेखा तोड़ दें तो कुछ ही दिनों में यहां पहुंच जाएंगे। जनरल्स का कहना है कि हमें वॉशिंगटन खाली कर देना चाहिए, न्यूयॉर्क से जंग लड़नी चाहिए या जरूरत पड़े तो बोस्टन से। तुम्हें यह जंग जीतनी ही होगी। अगर नहीं जीत पाए तो इतनी कुर्बानियां, हमारे बेटे की मौत, सब बेकार जाएगा। मैं ये जंग कैसे जीत सकता जब मैं अपने परिवार की हिफाजत तक नहीं कर सकता, जब हमारे सैनिकों के पास इस दुश्मन से बचने का कोई तरीका नहीं है, जब हमारी गोलियां, बंदूक पर लगे खंजर इस कांटे की तरह कमजोर है। इस स्पीड, ये हमें इसकी जरूरत है। कांटे की? चांदी की। ठीक है ठीक है, कितनी चाहिए होगी? सारी की सारी। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं मिस्टर स्पीड? वो तो आपके दोस्त हैं ना? वो मेरा दोस्त है, पर अपना देश मुझे दोस्ती से भी प्यारा है, और इस देश की तबाही के लिए सबसे ज्यादा वो जिम्मेदार है। आपने बिल्कुल सही किया। जानता हूं 32, 33, 34, 35 चांदी तो हमने काफी इकट्ठा कर लिया इब्राहिम, अब इसे वहां कैसे ले जाएंगे? मुझे माफ कर दो मैरी, मुझे माफ कर दो, मैंने इतने साल तुम्हें अंधेरे में रखा। मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरी। तुमसे यही सुनने के लिए मैंने परसों इंतजार किया है। मैं चाहता हूं तुम वॉशिंगटन से चली जाओ। मिस टबमन प्लीज चाय लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे यहां मिलने आई। और मुझे भी। फिलहाल हमारे हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, मेरे बेटे की मौत और अब यह जंग। मुझे वॉशिंगटन छोड़ना होगा, उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये जंग आज रात खत्म हो जाएगी, और उसके साथ हमारा सदियों का अंधेरा। ये काम हमें खुद करना होगा। उस ट्रेन में क्या है किसी को पता ना चले। अगर यह हथियार गेटिसबर्ग में हमारे सैनिकों तक ना पहुंचे तो यह जंग खत्म।
अब वक्त आ गया है हमारा अपना मुल्क हो। चलो हमें ट्रेन पकड़नी है। गेटिसबर्ग यहां से 80 मील दूर है। ये 80 मील तय करेंगे कि ये देश जिंदा लोगों का होगा या पिशाचों का। यकीन नहीं होता तुम अब भी ये डायरी लिखते हो। ये मेरे अतीत को बयां करती है, जो अच्छा भी था और बुरा भी। व्हाइट हाउस छोड़कर भाग रहे हैं, अब वॉशिंगटन हमारा हो जाएगा। मेरी तरफ देखो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो। छोड़ो उसे, किसी भी हालत में ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस देखना चाहता था कि तुम्हारी बेवकूफी तुम्हें कहाँ तक ले जाती है। मेरे पास बहस का वक्त नहीं है। बहस करने आया भी नहीं हूँ मैं, तो बस तुम्हें आगाह करने आया हूँ कि तुम्हारा दोस्त स्पीड एक गद्दार है। उसने तुम्हें धोखा दिया है इब्राहिम। स्पीड ने तुम्हें अपनी तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। हमारी योजना कामयाब हो रही है। इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। नहीं, तुम्हें इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। ये तुम्हारी जंग नहीं है हेनरी। और काफी तादाद में है। कुछ भी हो जाए लेकिन हम ये ट्रेन नहीं रोकने देंगे। आगे बढ़ोगे तो मारे जाओगे। यहां से निकल जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुमने गोलियां भर ली? हमें उन्हें इंजन से दूर रखना होगा। Thank you.
उसे छोड़ क्यों नहीं देते लिंकन? अपने आप को आजाद कर दो। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। और तुम्हें मानने की जरूरत भी नहीं है अब्राहम। मेरे पास ट्रेन है, मेरे पास चांदी है, जल्द ही मेरे पास पूरा मुल्क होगा। मैं अब्राहम लिंकन की झूठी साख मिटा दूंगा ताकि इतिहास तुम्हें इंसान के रूप में नहीं राक्षस के रूप में याद रखे। लिंकन ने हमें गुमराह किया, हमारे साथ धोखा हुआ है एडम। इस ट्रेन पर कोई चांदी नहीं है। समझ लो, चांदी कहां है? चांदी यही होनी चाहिए। अब भी झूठ मत कर कहीं के। हम तुम सबको इकट्ठा करके खत्म करना चाहते थे। अब भाग कर कहां जाओगे लिंकन? कहां है चांदी? कहां है? ये रही।
शुक्रिया हेनरी। इसका मतलब कुछ पिशाचों पर भरोसा किया जा सकता है, जैसे कुछ इंसानों पर इब्राहिम। अगर ये ट्रेन गुमराह करने के लिए थी तो चांदी है कहां? सिर्फ यही इकलौती ट्रेन नहीं है। एक अकलमंद आदमी ने मुझे सिखाया था, हमेशा एक और योजना जरूर होनी चाहिए। और बारूद लाओ। बेयोनेट स्प्रिंगफील्ड बंदूकों के लिए, बेयोनेट स्प्रिंगफील्ड बंदूकों के लिए। तोप गोले और हथ गोले पीछे वाले दूसरे डिब्बे में है, जाइए जाकर लेकर आइए, जाइए जाइए। सतासी वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर स्वतंत्रता के आदर्श में एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, जो इस प्रस्ताव को समर्पित था कि सभी नागरिकों को एक समान हक दिया जाएगा। आज एक भयंकर ग्रह युद्ध हमारे सामने आ खड़ा है, ये आजमाने कि क्या ये राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र जो इन्हीं आदर्शों पर बनाया गया हो कायम रह सकता है। समर्पित करें उस अधूरे कार्य के लिए जो यहां लड़ने वालों ने इतनी शान से आगे बढ़ाया। हम सभी को एकजुट होकर उस महान कार्य को अंजाम देना होगा, जिसे पूरा करने के इरादे से हमारे इन शहीदों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए अर्पित कर दिया है। आइए हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस राष्ट्र में ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता का एक नया जन्म होगा। हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता की हो, जनता द्वारा हो, जनता के लिए हो, और इस स्वतंत्रता को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हमारे दुश्मन जा चुके हैं, कुछ वापस यूरोप लौट गए, कुछ दक्षिण अमेरिका और कुछ पूर्वी देशों में। वो जान गए कि अमेरिका हमेशा जीवित लोगों का देश रहेगा, आजाद लोगों का देश। तुम्हारी और मेरी जोड़ी काफी जमती है, अगर हमारे पास और वक्त होता तो न जाने क्या क्या कर जाते हम। काश तुम भी अमर होते। हाँ, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ड्रामा देखने के लिए देर हो जाएगी। इसे जरा संभाल कर रखना हेनरी। मैरी डार्लिंग, क्या तुमने मेरी टोपी कहीं देखी है? वो अंदर मेज पर रखी हुई है। क्या तुमने मेरी टोपी देखी है? क्यों ना मैं तुम्हें अमर बना दूं इब्राहिम, हम सदियों तक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। सिर्फ पिशाच ही हमेशा अमर नहीं रहते। इतिहास इंसान से ज्यादा उसकी गाथा में रुचि रखता है।
हैवानियत से ज्यादा इंसानियत में दिलचस्पी है, नेक काम से ज्यादा खोखले भाषण। इतिहास को जंग याद रहती है पर शहीद नहीं। इतिहास मुझे चाहे जैसे याद रखे, अगर याद रखे, लेकिन मेरे उस डरावने पहलू से वो हमेशा अनजान रहेगा। एक और लाओ। कोई इतना टल्ली तब होता है जब किसी से प्यार हो जाए या किसी को मारना हो। तू क्या करना चाहता है?